अच्छी गेंदबाजी कर रहे, रनआउट का खतरा था, लेकिन सावन परिहार एक मरतबा फिर से उनका सामना करेंगे। रईस और अच्छी गेंद बीट कर दिया, साजिद वानी माफ कीजिए, साजिद वानी थे सामने, बीट किया उनको सावन परिहार की। सावन परिहार एक मरतबा फिर से उनका सामना करेंगे, साजिद वानी अच्छी गेंद ना करेंगे वो आरिफ मलिक का। हाय आरिफ मलिक, अच्छी गेंद, अच्छी शॉट, कवर और लॉन्ग अप के दरमियान में से निकाल दिया फील्डर ने, डाइव लगाकर बाउंड्री लाइन के करीब रोका गेंद को, तीन रन तब तक हासिल किए। बल्लेबाज करेंगे आरिफ मलिक का, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आरिफ मलिक आए, अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी थी, खाटिक अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आए आरिफ, गेंद की और जबरदस्त शॉट, शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद फेंकी थी उसे जबरदस्त पुल कर दिया, छह रन के लिए स्कोर जा पहुंचा 48 रन। जबरदस्त टाइमिंग थी इस शॉट में, जबरदस्त स्टाइल से ये शॉट खेला था साजिद वानी ने, भरपूर टाइमिंग का इस्तेमाल। आरिफ मलिक एक मरतबा फिर से आए, गेंद की अच्छी गेंद भाई अंदाज में कवर की जानिब खेला, जब तक फिदा हुसैन फील्ड करते थ्रो करते एक रन मुकम्मल कर लिया साजिद वानी। साजिद वानी सामने होंगे फिदा हुसैन के, आए फिदा, अच्छी गेंद थी, थर्ड मैन की जानिब मोड़ा, वहां पर कोई फील्डर नहीं, दो फील्डर उसके पीछे हैं गेंद के पीछे, जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक बल्लेबाजों ने दो रन मुकम्मल कर लिए। फिदा हुसैन दूसरी मरतबा इस ओवर में, अच्छी शॉट, जबरदस्त शॉट, सुकेर लेग की जानिब, वहां पर फील्डर थोड़े से चूके लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, स्कोर जा पहुंचा 52 6.2 ओवर्स में, तीन विकेट। दाऊद एक मतलब फिर से जबरदस्त शॉट, क्या कहने इस शॉट के, स्वीप कर दिया साजिद वानी ने 6 रन के लिए, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं साजिद वानी, इंटरनेशनल लेवल की शॉट्स लगा रहे हैं, स्टाइलिश बल्लेबाज, जबरदस्त स्वीप लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। खुला एक मरतबा फिर से उनका सामना करेंगे साजिद वानी, आए दाऊद, अच्छी गेंद, पॉइंट की जानिब खेला सावन पर यार, जब तक फील्ड करते तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल कर लिया। हुसैन अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर उनका सामना करेंगे साजिद वानी, देखते हैं रोक पाते हैं या नहीं, साजिद वानी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद गई कवर में माजिद रंगरेज के पास, 46 गेंदों में 82 रन चाहिए। फिदा हुसैन एक मरतबा फिर से आए, गेंद की अच्छी गेंद भाई, फिदा हुसैन एक मरतबा फिर से उनका सामना करेंगे साजिद वानी, आए फिदा हुसैन अच्छी गेंद बीट कर दिया, जबरदस्त सामना करेंगे साजिद वानी, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं साजिद वानी। साजिद वानी ने 16 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, आजाद ऋषि ने 18 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए, जितेंद्र आए के अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, सामना करेंगे अब जितेंद्र का, जितेंद्र अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, आए जितेंद्र ड्राइविंग डिलीवरी, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद गई टॉप एज लगकर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, अच्छी गेंद थी लेकिन
टॉप एज लगी और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चार रन के लिए स्कोर जा पहुंचा 77। छक्के एक चौका लगाया है, टॉप एज लग के अभी एक चौका लगाया। जितेंद्र एक मरतबा फिर से, अच्छी गेंद, अपील हुई, बीट कर दिया। साजिद वानी मूड में है, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितेंद्र आए, तेज हुए, गेंद की अच्छी गेंद, एक राइजिंग डिलीवरी जिसे समझ नहीं पाए, पर उनका सामना करेंगे साजिद वानी। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक जितेंद्र ने, हालांकि 9 रन दिए लेकिन परेशान किया है बल्लेबाज को। हल्के हाथों से शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब खेला, वहां पर माजिद आए शॉर्ट मिड विकेट से, एक ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 78। फिदा हुसैन आए, गेंद की अच्छी गेंद, फिर से बीट कर दिया साजिद वानी को। कूट कूट कर भरा हुआ है इनके पास। फिदा हुसैन एक मरतबा फिर से ऊंचा खेला है, देखते हैं कैच हो पाते हैं या नहीं। और ड्रॉप कर गए, आसान सा कैच ड्रॉप कर गए दाऊद से फुला। जितेंद्र एक मरतबा फिर से उनके सामना करेंगे, तेज तर्रार साजिद वानी जिन्होंने 24 गेंदों में 30 रन बनाए। जितेंद्र आए, गेंद की राइजिंग डिलीवरी, समझ नहीं पाए लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। चार खिलाड़ियों के नुकसान पर जितेंद्र एक मरतबा फिर से आए, साजिद वानी है उनके सामने, ऊंचा खेला और यकीनन ये छक्का होगा, बहुत बड़ा छक्का, लगभग 90 यार्ड का छक्का। फिर से राइजिंग डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी फेंकी और उसका फायदा उठाया साजिद वानी ने। मैं बताता चलूं, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस प्लेयर की। इसके पास हुक है, पुल है, कवर ड्राइव है, कट है और जो भी शॉट क्रिकेट की बुक में है वो शॉटें इसके पास मौजूद हैं। तो उसका खमियाजा भुगत ना पड़ा उनको। साजिद वानी सामना करेंगे जितेंद्र का। जितेंद्र आए, गेंद की अच्छी गेंद, फिर से ऊंचा खेला है, देखते हैं जसप्रीत, और लेकिन सिर्फ देखते रहे, जसप्रीत के लिए कोई मौका नहीं। फिर से स्वीप किया, नहीं ग्लांस किया, ग्लांस के रूप में 6 रन हासिल किए। स्कोर जा पहुंचा 94। 27 गेंदों में अब 58 रन चाहिए। आप इसकी कला देखिए, इसकी महारत देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए, इसका स्टाइल देखिए, क्या जबरदस्त, लाजवाब, दिल खुश कर दिया सभी शायकीन का। जितेंद्र एक मरतबा फिर से आए, गेंद की अच्छी गेंद और पॉइंट के ऊपर से उड़ा दिया है 6 रन के लिए। मैं बता रहा था कि इस खिलाड़ी के पास क्रिकेट बुक की हर कोई शॉट है। अभी देखिए स्क्वायर कट के शक्ल में कितना बड़ा छक्का हासिल किया, जबरदस्त बल्लेबाजी। 27 गेंदों में 48 रन बनाए, 5 छक्के एक चौका लगाया, 26 गेंदों में 52 रन बनाने। जितेंद्र एक मरतबा फिर से आए, तेज हुए, गेंद की अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी। 25 गेंदों में 52 रन चाहिए। जितेंद्र एक मरतबा फिर से आए, एक और शॉर्ट गेंद की थी, चूंकि पुराने खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम वॉरियर्स के, अब उनके सामने खतरनाक, डेंजरस, स्वाशबकलिंग, डेसलिंग बल्लेबाज साजिद वानी जिन्होंने 29 गेंदों में 48 रन बनाए हैं। आए फिदा हुसैन, गेंद की अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, समझ नहीं पाए। फिदा हुसैन एक मरतबा फिर से आए, तेज हुए, हुसैन का स्वाशबकलिंग, डेंजरस, डेजलिंग बल्लेबाज साजिद वानी। आए फिदा हुसैन, गेंद की फिर से बीट कर दिया, बार बार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदे फेंक कर परेशान कर रहे हैं फिदा हुसैन साजिद वानी। रन दिए, 2 विकेटें हासिल किए हैं। आए फिदा हुसैन एक मरतबा फिर से, अच्छी गेंद, उसे स्क्वायर लेग की जानिब मोड़ा, फील्डर से चूक हुई, गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन मिले।
फील्डर की गलती की वजह से। वानी पहुंचे 52 रन पर। साजिद वानी ने अपनी 50 भी मुकम्मल कर ली। बल्लेबाजी की, साजिद वानी के स्टाइल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बाजी लग रहा है जैसे कोई विराट कोहली, वरिंदर सहवाग या रोहित शर्मा जैसे कोई बल्लेबाज खेल रहे हैं, वैसी जारहाना बल्लेबाजी कर रहे हैं। साजिद वानी अब फिदा हुसैन पांचवी मरतबा आए। अच्छी गेंद, ऊंचा खेला, देखते हैं जसप्रीत कैच ले पाते हैं या नहीं। और लपक लिया, ऐसे लपक लिया जसप्रीत ने। जसप्रीत फील्डिंग में जबरदस्त फील्डर है। फिदा हुसैन के एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई जवाब नहीं।